मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर ने आप सबको संभाला, मुझे भी संभाला, एक सुंदर सुबह दी। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक वचन के साथ। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। प्रभु यीशु आपको बताना चाहते हैं, आपका मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने इस क्रूस की मृत्यु सहकर और तीसरे दिन जीवित होकर इस संसार को जीत लिया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे प्रियो उसके पास है। हालेलुया। और वो प्रेम करने वाला है, वो दया करने वाला है। आप उनकी मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हर एक प्रकार में वो दया करने वाला, दया दिखाने वाला वहाँ पे प्रकट किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो आप जैसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वैसे ही यीशु पर भरोसा रखें। क्योंकि उसका वचन कहता है, अभी तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हालेलुया। और देखो, परिस्थिति हर एक के जीवन में बदलती रहती है, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो। यदि हम विश्वास में दृढ़ता से बने रहें तो परमेश्वर हमें छुड़ाने में मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो। तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हमें एक सहायक दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वह कभी नाश ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें कि वह हमारे उद्धार करता है और उसके द्वारा हम शांति का जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। तो आइए हम इस सुंदर सुबह को परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि बड़ी करुणा है मेरे प्रियो। कितने लोग होंगे जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, लेकिन हम जिस स्थिति में हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। जो प्रियो हम आपको बताना चाहते हैं, जो लोग मृत्यु में हो गए, मतलब एक तरह के इस संसार में नहीं रहे, वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते मेरे प्रियो। लेकिन यदि हमारे शरीर में सांसें हैं, जान है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता हो। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे मेरे पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, अच्छी नींद दी पिता परमेश्वर, अचानक आने वाले हर एक उस भय से बचाया, हर एक उस रोग से बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर सुबह को मैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी तारीफ में पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते हुए प्रभु जी आगे चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, मुझे भरोसा है प्रभु जी कि आप हमारा साथ दोगे पिता परमेश्वर, आने जाने में मेरी मदद और सहायता करेंगे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप ऐसे परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न रहें, क्योंकि दुष्ट लोग आपकी अदालत में नहीं ठहर सकेंगे प्रभु जी। और जो कुटिलता का काम करते हैं प्रभु जी, वो आपसे मेल
मेल नहीं रख सकते प्रभु जी, क्योंकि आप पवित्र हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है प्रभु जी, आप उसकी प्रार्थना की ओर कान लगाते हो पिता परमेश्वर। अपने कान हमारी ओर लगाना प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर सुबह को मेरे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया तेरा शांति उनके हृदय में बास करे, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु जी वो आप पर विश्वास रखने वाले बने प्रभु जी, आपको अपना जीवन समर्पण करने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रख, वह तुझे हरेक उन विचारों से दूर करेगा जो तुझे परमेश्वर से दूर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें उत्तम मन देने वाला है, परमेश्वर हमें उत्तम विचार देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा अपार है, परमेश्वर महान है और वो अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। जो लोग नम्र होकर दीन होकर उसे पुकारते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है। जब हम बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं उन पर विचार है यदि हम करके देखें, तो वो अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम किसी बुराई में चल रहे हैं तो अपने आप को वहाँ से हटाएं और परमेश्वर को बड़ाई करें, परमेश्वर को अपना जीवन दें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप महान हो, इस संसार में से चुने गए हुए लोग, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, तो अपना जीवन ऐसे व्यतीत ना करें जो परमेश्वर आपकी सुने ना। परमेश्वर आपको लज्जित करना नहीं चाहता, वो आपकी हर एक कमी घटी को पूरी करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। मेरे प्रियो, उसने अपने आप को इसीलिए दीन किया, वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। उन्होंने आपको अनंत जीवन के लिए बुलाया है। सांसारिक बातों पे मेरे प्रियो ध्यान ना दें। मेरे पिता परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे पिता परमेश्वर की, उसने इतना सुंदर समय दिखाया हमें, एक नई किरण दी हमें, उस उजाले में लेके चलता है जो संसार की तरफ नहीं बल्कि आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, कि वह हमारे को हर दिन संभालता है, हर दिन हमें उन व्यभिचारों से बचाता है, उन हर एक पापों से दूर करता है, हमें शुद्ध करके रखता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर की तारीफ करो, कि वो आप पर अनुग्रह करे, आप पर दया करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपकी सहनशीलता पिता परमेश्वर उनके अंदर बास करे प्रभु जी। जैसे आपका जीवन था वो उसके अनुसार प्रभु जी अपना जीवन बिता सकें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले, क्योंकि आप स्तुति योग और आदर योग परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी मदद और सहायता करें, जिस भी जरूरतों को हो प्रभु जी आप उन्हें पूरी करें पिता परमेश्वर। जिस नगर जिस क्षेत्र में जाए प्रभु जी, तेरी आशीष हो उस नगर में उस क्षेत्र में पिता परमेश्वर। प्रभु जी वहाँ के लोग पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करने वाले बन सकें पिता परमेश्वर, आपको अपना जीवन दे सकें पिता परमेश्वर, जिससे वो आपकी महिमा कर सकें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हो प्रभु जी और आपकी करुणा अपार है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरी रक्षा करना प्रभु जी, मेरे मन की रक्षा करना प्रभु जी। हमारे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जो प्रभु जी आपको
खेदित हो मेरे पिता परमेश्वर जो आपको गलत लगे प्रभु जी, मेरे मन मेरे हृदय से ऐसी कोई बात ना हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरी मदद और सहायता करना और हर एक उन बुराइयों से बचाना प्रभु जी, हर एक उन उपद्रवी मनुष्य से मेरी रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, मेरे बोल चाल से उठने बैठने से मेरे रहन सहन से किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने, मेरी मदद और सहायता करना। आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।